समोसा एक ऐसा भारतीय व्यंजन जिसे नाश्ते में या शाम के समय लोग बड़े चाव से जरूर खाते हैं। खासकर सर्दियों में तो समोसे बिना चाय का जायका अधूरा है और घर की पार्टियों में तो समोसा पार्टी की जान होता है, खासकर हरी और मीठी चटनी के साथ। पूरे देश में समोसे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लोग रोज 6 करोड़ से ज्यादा समोसे खा जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने समोसा नहीं खाया हो। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक समोसा खाने पर आपको 71,000 रुपए नगद मिलेंगे तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है, और एक समोसा तो क्या कई समोसे खा लेंगे। लेकिन रुकिए जनाब, अभी बात पूरी कहाँ हुई। ये कोई ऐसा वैसा समोसा नहीं, ये समोसा है महाबाहुबली समोसा। तो देखा आपने, इस भारी भरकम समोसे को अब आपको बताते हैं कि समोसे का वजन है 10 किलो। जी हाँ, ये 10 किलो का समोसा है और इसका नाम रखा गया है महाबाहुबली समोसा। इस समोसे को बनाया है मेरठ की कौशल स्वीट्स ने। तो आगे आप देखते रहिए 10 किलो का समोसा बनाया कैसे गया। सबसे पहले समोसे के मसाले को आप देख लीजिए। इस 10 किलो के समोसे के लिए 4 किलो आलू का मसाला तैयार किया गया। इसमें मटर, पनीर, काजू और किशमिश भी डाला गया है। आगे अब चकले पर कारीगर कैसे समोसा बना रहा है। इसके बाद कारीगर इसको घी में छोड़ते हैं और 2 कारीगर ऊपर से तेल डाल रहे हैं। इसके बाद ये समोसा बनकर तैयार हो जाता है। कारीगरों के मुताबिक इस समोसे को बनाने में 6 घंटे का समय लग जाता है और इसकी कीमत 1500 रुपए है। इस 10 किलो के समोसे का नाम महाबाहुबली रखा गया है, जो एक विशेष ऑर्डर पर बर्थडे पार्टी के लिए बनवाया गया है। इस समोसे की खासियत इसका वजन है, जो 10 से 11 किलो का इसका वजन है। ये इंडिया लार्जेस्ट समोसा बन रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समोसा है। अभी तक इससे बड़ा समोसा किसी ने नहीं बनाया गया है। ये मेरे पास ऑर्डर आया है बर्थडे का, ये नोएडा से आए हैं, स्पेशल ऑर्डर दिया था उन्होंने 2 दिन पहले। तो ये केक की जगह ये समोसा काटेंगे। एक मन में चाहत थी, प्रेरणा थी कि मेरठ वासियों के लिए कुछ करा जाए, कुछ अलग से। तो समोसे को उठाया गया, समोसे को अपना वो करा, तो समोसे को लेकर हमने इंडिया लार्जेस्ट समोसा इसका रखा है, जिसका नाम महाबाहुबली समोसा रखा गया है। ये समोसा एक बर्थडे पार्टी के लिए बनाया गया। नोएडा के एक परिवार बर्थडे मनाने के लिए मेरठ पहुंचा था। वहां पर बर्थडे को यादगार बनाने के लिए ये विशेष ऑर्डर दिया गया था। केक की जगह 10 किलो के समोसे को काट कर बड़ी धूमधाम से युवा का जन्मदिन मनाया गया। जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करते रहना चाहिए, अलग चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे भैया ने बोला कि उनके मन में भी आया कि एक हम नया तरह का समोसा बनाते हैं, बाहुबली समोसा। तो हमें भी लगा क्यों ना हम भी इस तरह की एक ऊर्जा के साथ आएँ और एक कुछ डिफरेंट तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। और मेरठ वासियों के साथ हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना प्यार जनता के साथ बांटें। जब से ये समोसा बना है तभी से दुकानदार के पास लोगों की ऐसी ही महाबली समोसा बनाने की डिमांड आने लगी है। अब तो दुकानदार ने भी लोगों को चैलेंज करते हुए कहा कि जो भी समोसे को 51 मिनट के अंदर खा जाएगा उसे 71,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। वैसे इससे पहले भी यहां 8 किलो का समोसा बनाया गया था। खाने वाले को 51,000 का इनाम देने की घोषणा की गई थी। उस चैलेंज के बाद दुकानदार के पास हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए, लेकिन एक साथ इतना बड़ा समोसा कोई नहीं खा पाया। अब 10 किलो का समोसा खाने का ओपन चैलेंज कौशल स्वीट्स की तरफ से दिया गया है। फिलहाल इस चैलेंज को दूर दूर तक कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। एक हाथ से 10 किलो के समोसे को उठाने में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इस विशाल काय समोसे को अब गिनीज बुक में भी दर्ज कराने की तैयारी है। मेरठ से मुनव्वर चौहान की रिपोर्ट।